वेलकम टू एक और यूट्यूब के ब्लॉग में। और आज मैं आपको एक फूड स्ट्रीट और वेजिटेबल की मार्केट में लेके जा रहा हूँ। मौसम तो आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और एक बात है कि यहाँ पे मौसम का कोई भी नहीं पता चलता, कब गर्मी स्टार्ट हो जाती है और कब सर्दी एकदम से। तुर्किश के बाद सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये उज़्बेक का फूड आया है, क्योंकि यहाँ के बिल्कुल एक यूनिक सा एक फूड है। आगे मैं आपको भी बताता हूँ कि अगर आप भी विज़िट करें उज़्बेकिस्तान का तो लाजमी ट्राई करें। एक उज़्बेक पुलाव है और कुछ दो तीन और फेमस डिशेज़ हैं। बिल्कुल मार्केट आई गई आप। अभी तो मेन मार्केट स्टार्ट नहीं हुई, ये तो बाहर की तरफ जो रोड है उसमें इन्होंने लगा के ये सेल कर रहे हैं सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स। लेकिन जो असल मार्केट है वो आगे भी आपको बताता हूँ मैं। ये बिल्कुल सामने मैं जा रहा हूँ और इसी की साइड की तरफ ना जो बड़ी मार्केट है वो है। मेरे इस तरफ बिल्कुल मार्केट है और इसके अंदर मेरे ख्याल में जाने का दूसरा रास्ता है। और ये मार्केट मुझे ना सबसे बड़ी लग रही है, बाकी देखता हूँ अंदर जाके क्या है। सारे लोग तो इसी की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये मेरे बिल्कुल सामने ही गेट है। काफ़ी ज़्यादा रश वाला एरिया है ये। अभी तक तो देखने में ये मुझे तो सबसे बड़ी उज़्बेकिस्तान की मार्केट नज़र आ रही है, जहाँ वेजिटेबल फूड स्ट्रीट फूड सब चीज़ अवेलेबल हैं। ये इनका मेन गेट आ गया है जहाँ से एंट्री का है, और एग्जिट का भी तो गेट ये मुझे यही लग रहा है। और ये मेन हर चीज़ अब से स्टार्ट हो गई है, ये मेन मार्केट्स। पहले तो ये फूड ही नज़र आ रहे हैं, ये इनका एक स्पेशल चीज़ें हैं। अगर तो हम प्राइस का कंपेयर करें तो ताशकंद की इस वक्त समरकंद बहुत ज़्यादा चीप है। मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं, क्योंकि मैं ताशकंद में रहूँ लेकिन यहाँ का समरकंद में फूड सस्ता है। Gracias.
और अभी तो ये वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का ये एरिया है, लेकिन मीट्स का इसके बिल्कुल पीछे है, वो मैं सामने देख रहा हूँ अभी, नेक्स्ट उसी की तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इस चीज़ का मुझे नाम तो नहीं अभी याद, लेकिन ये बन टाइप का है जो कि उज़्बेक में काफ़ी फेमस है, पता नहीं बन टाइप ही बिल्कुल है नज़र आ रहा है। बड़ी मार्केट है